चुरहट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सरदेंदु तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के उपरांत प्रथम नगर आगमन पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में अपन असर दिखाए रही है। हालात यह है कि छोटे मझले शहरन में और जिलन में अपन कोरोना बेहद तेज रफ्तार जारी कहे है। हालात यह है कि सीधी जैसा छोट जिला में कोरोना आए दिन नए आयाम गढ़ रहा है। हालात यह है कि आज सीधी में 38 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने के चलते सीधी के कुल कोरोना संक्रमित संख्या 929 हो चुकी है। एक्टिव केसन की संख्या 240 हो चुकी है। 7 लोगों के यह वैश्विक महामारी कोरोना से दर्दनाक मौत हो चुकी है और सीधी जिला में 101 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जो बेहद बड़ी संख्या है। किंतु इससे पहले देश के कोरोना के हाल जान ली। अपना पत्रकार बताया दी कि देश में कोरोना 63,90,000 के संख्या पहुंच चुका है और मौत के आंकड़ा 1,00,000 के करीब पहुंच चुका है। 99,773 लोगों के यह वैश्विक महामारी कोरोना जान ले चुकी है। मध्य प्रदेश के यदि आंकड़ा की बात की जाए तो कोरोना मध्य प्रदेशों में कोहराम मचाए रहा है। 1,28,000 कुल कोरोना संक्रमित संख्या हो चुकी है और 2,316 लोगों के यह कोरोना वैश्विक महामारी जान ले चुकी है। अब पूरी खबर विस्तार से अपना पंचन को बताई थे कि आज जो सीधी में 38 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वो कहां कहां के आए हैं। अपना पंचन को बताया दी कि आज रीवा वायरोलॉजी लैब से आई रिपोर्ट में 30 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सीधी में रैपिड एंटीजन टेस्ट के करावा गया है, जोने में जो 3 थे जिला चिकित्सालय से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सेमरिया से 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और चुरहट से 3 नए व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब रीवा से जो 30 लोगों के रिपोर्ट आई है ओमा सबसे ज़्यादा आदिवासी अंचल में मतलब वनांचल क्षेत्र में यह कोरोना हमलावर भा है, जोने में कुसमी कुड़ार के 4 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्रमशः जो है उम्र है जोने में 30 वर्ष के फीमेल और 58 वर्ष के पुरुष, 10 साल के और 16 साल के और 16 मतलब 2, 16, 10, 58 और 31 वर्ष के फीमेल जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बरमबाबा में 30 साल के पुरुष जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देवार्थ नौढ़िया में 5 व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने में 45 वर्षीय जो है पुरुष जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 17, 14, 30 जो है क्रमशः जो है पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 80 वर्षीय वृद्ध महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है। कोचिला सीधी के जो है 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने में 40 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और 48 और 22 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रउहाल कुसमी से 2 व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने में 1 के उम्र है 14 वर्षीय युवक जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 27 वर्षीय युवक जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चौफाल से 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने में 45 वर्षीय पुरुष जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 22 वर्षीय 80 वर्षीय और 17 और 18 वर्षीय पुरुष जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लोहरा सीधी से 40 वर्षीय महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कठास से जो है 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जोने में 65 वर्षीय महिला, 20 वर्षीय युवक और 4 वर्षीय बच्ची जो है और 42 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गाजर से जो है 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, एक 18 वर्ष के और 22 वर्ष के जो है युवक जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिण करौंदिया सीधी से 38 वर्षीय महिला जो है कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। तो यह बेहद बड़ी संख्या है जो सीधी में कहो न कहो कोरोना के रफ्तार का बेहद तेज समझ में लेवल लागी। हालात यह है कि अब वैश्विक महामारी के रफ्तार घटे के बजाय बेहद तेज हो रही है। आगामी दिनों में ठंड के मौसम शुरू हो रहा है और दुर्गा उत्सव शुरू हो रहा है। यह दौरान सरकारन के और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ी रही है कि हालात आगामी दिनों में और खतरनाक हो के
संभावना जताई जान लगी। अब हमार अपना के जिम्मेदारी दुगनी तिगनी हो चुकी है कि हम पचे अब ज़्यादा से ज़्यादा संयमित रह के ये वैश्विक महामारी से बच सकी थे और अपने लोगन का बचा सकी थे। तैयार रही पूरी खबर जो सीधी जिला में कोरोना का पहुँचा रही थी 900 के पार। अब यह कहा जा सका था कि दो चार दिन के अंदर शायद सोमवार से या मंगलवार का 1000 के आंकड़ा सीधी यह संक्रमण के दौर में छुई ले, जौने से कहो न कहो चिंता बेहद बढ़ी जाती। काहे कि आज की रिपोर्ट आए के बाद यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहो न कहो वनांचल या ग्रामीण क्षेत्रन में अब कोरोना अपन रुख कर रहा है, जौने के चलते अब चिंता बेहद बड़ी है कि सीधी माँ जिला अस्पताल के दी बात की जाए तो यहाँ बेहद कम संसाधन में उपचार की जान लाग है, जोने के चलते यह माना जान लाग है कि यह वैश्विक महामारी माँ आपन बचाव सिर्फ और सिर्फ संयम है, सतर्कता है, सावधानी है। काहे कि अस्पतालन के हाल अपनों जानी लागे कि वहाँ भारी संख्या में लोगन के अब आवाजाही हो रही है, जोने के चलते अब डॉक्टर एक विशेष महत्व जो है एक एक पेशेंट का नहीं दे सकें, ना इतना इंतजाम आए कि हर व्यक्ति का ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध करावा जा सके। ऐसे अब चिंता कहो न कहो बढ़ी रही है कि कोरोना अपन दुगनी रफ्तार दिखा रहा है और हम पचे दुगनी तिगुनी लापरवाही कह रहे हैं। तब बेहद सतर्क हुई जी, सावधान हुई जी, डराए की आवश्यकता नहीं है, यह वैश्विक महामारी से लड़ के जीते की आवश्यकता है और बहुत जल्द यह कोरोना का पूरा सीधी हराई पूरे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के वासी हराई ही और देश में यह देशवासी कोरोना से जंग जीती ही। तो ऐसे यह आशा और विश्वास के साथ शुभरात्रि और आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।